हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आ गए हैं हम अपने काम के साइट पर। तो दोस्तों, ये हमने देखिए चेयर को, सारे के सारे चेयर को हमने बाहर निकल कर रख लिया है। तो अभी इसको हम सारे चेयर के छानी जो है फट्टा लगा देंगे। तो ये इधर हमने दो फट्टा रखा हुआ है और बाकी दूसरे साइड पर रखा हुआ है। तो अभी हम इसको पहले सैंड पेपर मार देते हैं अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, पहले हमने इस चेयर को ले लिया है। तो चेयर को अभी हम अच्छी तरीके से पेपर मार लेते हैं, सैंड पेपर जो है वो अच्छी तरह से मार के इसका फिनिशिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद इसके ऊपर की छानी जो है फट्टे को लगा देंगे। तो पहले हम इसको अच्छी तरह से सैंड पेपर मार लेंगे। तो इसमें जो हमने छानी चेयर के फ्रेम पर जो हमने पुटिन जो लगाया था, किल जो लगाया था, वो हमने सारे किल के अंदर हमने पुटिन भरा था। तो हमने सैंड पेपर की मदद से सारे पुटिन को काट देंगे और फिनिशिंग भी अच्छी तरह से कर देंगे इसको सैंड पेपर की मदद से। तो दोस्तों, मैं पहले राफ वाला पेपर मारा था, तो अभी हमने इसका फिनिशिंग वाला मार रहा हूँ। तो ये फिनिशिंग वाला मारने से काफ़ी स्मूथ हो जाता है और कलर मारने पर कलर भी अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो दोस्तों, हमने चेयर पर सैंड पेपर मारकर लगभग कंप्लीट कर लिया है और अभी हम इसके छानी जो बोलते हैं उसको भी हम सैंड पेपर मारेंगे। तो ये देखिए, ये है उसका छानी। तो इसको हम पेपर मार लेते हैं अच्छी तरीके से। तो इसका हम पहले दोनों साइड हमने राफ वाला मार दिया है, तो अभी इसको हम फिनिशिंग मार रहे हैं देखिए उसी तरह से। तो दोस्तों, हो गया है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने सीधा भी कर लिया। तो अभी इसको हम साइज कर लेते हैं। इसको हमने 17 इंच साइज रखा है इसका छानी जो बैठने वाला चेयर का। तो हमने इसको ऊपर साइज जो है इसको हम मशीन रंधे के मदद से मारकर साइज कर लिया है। तो अभी इसको हम साइज में कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस फट्टे को छानी जो है आगे साइड का 1.5 इंच का रखा है और बैक साइड में 16 इंच का, आगे तरफ 18 इंच का है और बैक साइड में 16 इंच का और साइड में आपका 17 इंच का, 17, 18, 16, 17, 18 तीनों साइज में है, तीन साइड में। तो हमने ये देखिए कटिंग कर लिया कुछ इस तरह से और अभी हम इसको फिटिंग भी कर लेंगे। तो इसका हम पहले साइड में अच्छी तरह से इसको कटिंग करते हैं, जिसके कोना का जो है धार जो रहता है वो हम उस कोने को काट दिया है। तो काटने के बाद अभी हम इसको रोटर मशीन की मदद से इसको थोड़ा सा हाफ राउंड बना लेंगे। तो इस तरह से हम मशीन से इसको हाफ राउंड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो इसको दोनों साइड पलट के अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे। तो इसमें दो पीस को पहले मार लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने राउंड कटिंग करके हो गया है। तो अभी चेयर पर बैठा के देखिए, थोड़ा पीछे बैक साइड में थोड़ा सा किनार पर काट देंगे थोड़ा सा इसको डिजाइन के लिए। तो ये हमें थोड़ा सा टेढ़ा राउंड कटिंग कर दिया हमने इसको दोनों साइड से। तो दोस्तों, अभी हम इसको देखिए यहाँ पर बैठा कर अभी इसको हम कील ठोक लेंगे अच्छी तरह से फिटिंग करके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसको हम कील लगा रहे हैं। तो इसको हम बराबर करके ये देखिए कील मार लिया यहाँ पर। तो इस तरह से हम पूरी तरह से कील मारकर कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमने चेयर को जो है छानी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट मतलब अभी भी बाकी है, 2-3 पीस हमने लगाया नहीं अभी, लगाना इसको बाकी है। तो अभी इसको हम लगा देंगे अभी। तो ये देखिए, बाकी जो है हमने सब कुछ लगा दिया है। और इधर भी ये देखिए टेबल जो है, ये टेबल का हमने सिर्फ रेडी करके उसका रखा हुआ है। उसका पैर जो है हमने बनाया नहीं अभी तक, क्योंकि वो पैर तो हमने रेडी करके रखा हुआ था पहले से, लेकिन उसको मशीन में ले जाकर उसका खराब कर लाना है। तो उसका काम बाकी है। तो लेकिन हमने चेयर को जो है कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए 2-3 पीस चेयर अभी लगाना बाकी है। इसको छानी अभी हम इसको भी लगा देंगे सारे के सारे चेयर को। तो आप लोगों को कैसा लगा इस चेयर का डिज़ाइन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये देखिए हमने सारे के सारे चेयर का जो है छाने लगाकर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और दोस्तों, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।